हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपके लिए लेकर आई एक न्यू एंशुएंट सिटी ब्लॉग, और आज का ब्लॉग है आपसे बातचीत का, क्योंकि आज मेरे सिटी घर पर नहीं है और मैं अकेला महसूस करती हूँ जब वो चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए और आपसे बहुत सारी बातें किया जाए। ठीक है, तो आज घर पर हैं मम्मी और पापा और अक्षु और मैं, और दक्ष और सिटी गए हुए हैं मेरे फ्रेंड की शादी में आगरा। तो मेरे घर पे गई हुई है स्वीटी, उसका रिसेप्शन है आज का। 4 तारीख की उसकी शादी थी, बारात थी, तो जा नहीं पाया था कोई भी, ना मैं गई थी ना स्वीटी गई थी ना कोई भी गया था। तो भैया गया था मेरा वहाँ से आगरा से, तो भैया गया था मेरे, तीनों भाई गए थे। तो तीनों भाई तो गए थे, लेकिन मतलब यहाँ से कोई नहीं गया था। तो वो बहुत गुस्सा कर रहा था कि कोई भी नहीं आया, और मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही थी, मेरे फ्रेंड की मम्मी। तो वो बोल रही थी बहुत ज़्यादा कि अंशु तू बहुत बुरी हो, तुम आई भी नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी, समझने की कोशिश करो कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो फ्रेंड मेरा जाना बनता ही नहीं है, मुझे अपनी सास का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मम्मी बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गई हैं, ठीक है, अब तो बिल्कुल प्रॉपर ठीक है वो। लेकिन मम्मी ने तो बोला भी था कि तू चली जा, पर मेरा मन अंदर से नहीं कर रहा था, क्योंकि फ्रेंड उनके अंदर, वो वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन उनको उनके अंदर ना थोड़ी सी वीकनेस है। तो जब वो वीक सी फील कर रही हैं और मैं भी चली जाऊँ, सिटी तो जा ही चुके हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए मैंने सिटी को और दक्ष को भेज दिया है और मैं यहीं पर हूँ। मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि पहला दुख तो ये है कि मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और दूसरी बात ये कि स्वीटी नहीं है आज घर पर, स्वीटी नहीं होते हैं ना तो मैं वैसे भी अधूरी हो जाती हूँ बिल्कुल ही। और वो कल आएंगे तो मेरे रात कैसे कटेगी, क्योंकि हम रात में साथ में पैकिंग करते हैं, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को 9:30 पर लाइव आऊँगी। आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा सब लोग, और प्लीज़ कम मतलब कि देखिएगा मत चुप कर, जिसको आना हो तो प्लीज़ बातें करिएगा, वरना बिल्कुल मत आइएगा। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ साईं बाबा जी इन सबको कह दो कि आए तो बात करें, वरना आए ना प्लीज़ साईं बाबा जी, प्लीज़। क्योंकि ना मुझे ऐसे बहुत गंदा लगता है कि देख रहे होते हैं 50 लोग और जो मतलब कि कमेंट्स कर रहे होते हैं वही 10-5 लोग, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ बातें करिएगा, वरना मत आइएगा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं आऊँगी, आधा घंटा के लिए आऊँगी, आधा घंटा या 20 मिनट 10 मिनट, मुझे नहीं पता कितनी देर के लिए आने वाली हूँ मैं। जितनी भी देर आऊँगी, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ज्वाइन हो और मुझसे बातें करें बहुत सारी, ठीक है। क्योंकि आज स्वीटी नहीं है, आज मैं पैकिंग भी नहीं करने वाली क्योंकि स्वीटी नहीं है, वरना कल पार्सल निकलते हैं। और संडे के आप जानती हो फ्रेंड, सैटरडे संडे के बहुत ज़्यादा पार्सल हो जाते हैं, तो मंडे को निकालने पड़ते हैं, लेकिन स्वीटी है नहीं तो फिर किसके साथ पैकिंग करूँगी मैं। इसलिए मैंने सोचा रात में मैं लाइव ही आ जाऊँ, कैसा है आइडिया, ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ओके। और ये वीडियो मैं जल्दी डालूंगी, 7 बजे करीब डालूंगी, ताकि आप लोगों को पता पड़ सके कि मैं 9:30 या 10 पे लाइव आने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड। और मुझे थोड़ा सा दुख ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मैं उसकी शादी ज्वाइन नहीं कर पाई यार, ओ गॉड। पर कोई नहीं, मम्मी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यार, मम्मी ठीक है, मम्मी बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, बस उनको थोड़ी सी वीक फीलिंग हो रही है। और मैं ना आपको जब मैं नाइट में जब लाइव आऊँगी ना, तो मैं मम्मी से आपको मिलवाऊंगी, वो ठीक है पहले से, ठीक है, थोड़ी सी वीक है। और रात के टाइम तो वो सो रही होंगी, शायद उस समय भी सो रही होंगी, जग रही होंगी, थोड़ा पता नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी जल्दी भी सो जाती हैं, और 10 बजे तक तो उनका बिल्कुल ही निंद्रा देवी में खो जाती है, वो पता नहीं कौन सी ज्यादा सपने देख रही होती है, तो शायद वो नहीं जग रही होंगी। और अगर जग रही होंगी तो डेफिनेटली मैं आपसे मिलवाऊंगी, और अगर नहीं भी जग रही होंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और बस यही था फ्रेंड कि सिटी नहीं है, और पता नहीं कैसे आज की रात कटेगी और कैसे मैं, बस मुझे कॉल कर लेना कोई, है ना, कॉल कर लेना, बहुत सारी बातें करेंगे, गपशप करेंगे, तो मेरा टाइम बीत सके। और फ्रेंड देखिए, मैं वैसे ना दोपहर में थोड़ी सी देर सो लेती हूँ, आधे एक घंटे या 1.5-2 घंटे तो सो ही लेती हूँ मैं कुछ दिन से। तो मैं आज ना, आप जानकर मुझे बहुत तेज ही नींद आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मेरी सीटी निकल गई थी 2 बजे करीब निकल गए थे, तो जैसी सीटी निकल गई तो मुझे बड़ी तेज ही नींद आ रही, मैं अक्षु को मतलब सुला रही थी, ठीक है। तो अक्षु दूध पीकर सो रही थी, लेटी हुई थी मेरे पास ही, तो मेरे को नींद आती जा रही आती जा रही, और मैं सो गई। फिर मेरे को याद आया, अरे नहीं सोना नहीं है भैया, फिर रात में नींद नहीं आनी है मेरे को। फिर मैंने जल्दी से मुंह धोकर फिर मैं छत पर आई, मैंने की अपने फ्रेंडों के साथ बातें कर लेती हूँ, और
मैंने इससे पहले भी 3 वीडियो क्रंच की बनाकर हट गई हूँ, 3 वीडियो बनाई है मैंने क्रंच की, तो 3 वीडियो मैंने क्रंच की बनाकर हटा के फिर इसको आपके साथ बातें कर रही हूँ। तो फिर मैंने मुंह धोया, मैंने सोचा कि मैं इनकी इस समय में वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना लूँगी तो रात को मैं थक सी जाऊँगी और मुझे जल्दी नींद आ जाएगी, वरना पता नहीं मेरा तो वही टाइम है 2:30-3 बजे की टाइम, और आज हो सकता है कि अगर मैं दिन में नहीं सोई हूँ तो मुझे शायद 1:30 बजे तक या 1 बजे तक नींद आ जाए, 12 बजे तक ही आ जाए साईं बाबा जी जल्दी, तो मैं जल्दी सो जाऊँगी तो ठीक रहेगा। और आज मैं टीवी भी नहीं चलाने वाली हूँ, क्या कहते हैं, बिग बॉस देखती हूँ मैं नाइट में, पर बिग बॉस भी नहीं देखूंगी मैं आज, क्योंकि मुझे बिग बॉस भी स्वीटी के साथ देखना पसंद है। पार्सल पैक करते करते हम दोनों एक दूसरे को टिप्पणियां मारते, देख देख वो कैसे कर रही है, देख देख वो कैसे कर रहा है, तो बहुत मजा आता है। आज वो नहीं होएंगे तो फिर मुझे बिग बॉस भी देखना पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आज बिग बॉस भी नहीं देखने वाली। हो सकेगा तो फ्रेंड बस यही है, आपसे बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लाइव आऊंगी तो जितनी भी देर आऊंगी बहुत सारी बातें कर लूंगी आपसे। प्लीज फ्रेंड ऐसे मत करिएगा कि आप चुप 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 करके देखें, हो सकेगा तो प्लीज बातें करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो जब घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो मैं मम्मी को रात भर जगा के रख लेती अपने साथ। मम्मी को दवा खा जैसी, मतलब मम्मी दवा खा लेती है ना, मम्मी की 8 बजे की दवाई है, 8 बजे मम्मी दवा ले लेती है ना, उसके बाद तो फिर उनको मतलब एकदम से नींद आने लग जाती है, और मम्मी अगर सो गई ना साईं बाबा जी तो सच में मैं बहुत अकेली फील करूंगी। और अक्षु भी अभी तक जग रही है, आज अक्षु भी थोड़ी सी जरा सी सोई थी, तुरंत ही जग गई थी, तो अक्षु भी जल्दी सो जाएगी, तो मैं तो बहुत ही अकेली पड़ जाऊंगी, आप समझ ही सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत अलग सा फील हो रहा है। वैसे तो मैं सिटी से बहुत सारी बातें कर चुकूंगी रात में, मैं उनका कान खा जाऊंगी, लेकिन फिर भी अभी वो घर पर जाएंगे, ठीक है, अभी वो पहुंचे भी नहीं, अभी टाइम कितना हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। 2 बजे निकले थे वो, 5:11 हो गया, ये देखो 5:11 हो गया, अभी वो पहुंचे भी नहीं होंगे, ठीक है, और जैसे ही पहुंच जाएंगे वो मुझे कॉल करेंगे, है ना। वैसे तो रास्ते में पहुंचते उन्होंने मुझे 5-6 बारी तो अभी तो कॉल कर लिया, अभी तो पहुंचे नहीं है तो 5-6 बारी कॉल कर लिया, पता नहीं कितनी बारी करेंगे। घर पे पहुंच जाएंगे फिर वहां से रेडी होकर दीपक के घर पर जाएंगे। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, मेरे फ्रेंड का नाम दीपक कैसे है और रवि कैसे है, उसके कार्ड पर रवि लिख रहा था और मैं दीपक बोलती हूँ, तो मुझे किसी ने कमेंट बोला था करा था कि आप दीपक बोल रही हो कार्ड पर रवि लिख रहा है ऐसा क्यों। ऐसा है फ्रेंड कि दीपक उसका स्कूल का नाम है, तो हम साथ में स्कूल पढ़े हैं, तो मैं उसको दीपक बोलती हूँ, ठीक है। मेरे सिटी का भी नाम दीपक है, मैं आपको दिखाती हूँ, अरे कैसे दिखाऊं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखा पा रही हूँ, गॉड ये रहा देखिए है। तो मेरे सिटी का भी नाम दीपक है और मेरे फ्रेंड का नाम भी दीपक है। दीपक मैं उसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से वही नाम बोला है उसका जो स्कूल में था, ठीक है, तो मैं उसको दीपक बोलती हूँ। रियल नाम उसका घर का रवि है, तो रियल नाम उसका रवि है, ठीक है, तो ऐसे है दीपक और रवि, तो मैं तो दीपक ही बोलती हूँ उसको, ठीक है। और मेरे चाचा का नाम भी दीपक है, मेरे रियल चाचा है ना जो सबसे छोटे वाले, उनका नाम भी दीपक है। मेरे घर में बहुत सारे दीपक हो गए ना, मेरे फ्रेंड दीपक, मेरे चाचा दीपक, मेरे हस्बैंड दीपक, हो और भी फैमिली में बहुत सारे दीपक हैं, ठीक है। और एक भैया हैं वो भी दीपक हैं, मतलब हमारे खानदान परिवार में एक भैया उनका नाम भी दीपक है, ठीक है। तो बस यही था, उसका नाम दीपक भी है, दीपक मैं बोलती हूँ, और वैसे उसका नाम रवि है, रवि मैं बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं दीपक की बोलती हूँ, और स्वीटी तो भाई साहब बोलते हैं, वो तो कभी नाम भी नहीं लेते, ठीक है। और बस यही था कारण कि मुझे रात में लाइव आने का यही कारण है, अकेली पड़ जाऊंगी, साथ दे दीजिएगा प्लीज। वैसे मैं स्वीटी को कॉल कर लूंगी, अभी वो वहां से मतलब घर पे पहुंचेंगे, घर से थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर बैठेंगे, फिर तैयार होएंगे, दक्ष तैयार होएगा, स्वीटी तैयार होएंगे, फिर वो दीपक के घर जाएंगे, फिर वहां से आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अब उसने रोक लिया तो कह नहीं सकते हैं, अगर मतलब स्वीटी वैसे तो ज्यादातर निकलने की कोशिश ही करेंगे, क्योंकि सुबह उनको जल्दी आना है यहाँ पर, ठीक है। वो आ जाएंगे समथिंग 11-12 बजे तक आ जाएंगे, हाँ 11-12 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है। और मैं भी इसे बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ना पता क्या है, आप सोचते होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा दीवानी हूँ सिटी की, दीवानी होने का कारण ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मैं पूरे दिन सिटी करके उनके कान खाती रहती हूँ, आप खुद सोच सकते हो कि मैं आपके साथ बैठी हूँ फिर भी मैंने उनको कितना याद कर लिया, तो साथ में होते होंगे
मैं ना अभी क्रंच करके हटी हूँ तो मेरे मुंह में थोड़ा बहुत आ जा रहा, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप सोच ही सकते हैं जब पूरे दिन साथ रहता है इंसान तो उसकी आदत हो जाती है हमें, उसकी ज़रूरत हो जाती है हमें, उसकी नीड हो जाती है हमें, तो वही है मुझे, ठीक है। और दक्ष को मैंने इसलिए स्वीटी के साथ भेजा है क्योंकि आज संडे था, तो मैंने क्या अभी हम गए थे ना घर पर, कब गए थे हम घर पे, हम गए थे नवरात्रों में स्वीटी ने जब मुझे सरप्राइज दिया था, कैला देवी गए थे हम, तो कैला देवी गए थे तो दक्ष को नहीं लेकर गई थी क्योंकि उस समय उसके एग्जाम चल रहे थे। अब जब बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं तो उसके दो एग्जाम रह गए थे, और इंग्लिश का और गणित का ही था, और इंग्लिश और गणित तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, तो मैं तो और इंग्लिश का पेपर था, तो इसलिए स्वीटी ने कहा कि इसको नहीं लेके जाएंगे। थोड़ा सा वो अपसेट भी हो गया था, मगर हम नहीं लेके गए थे। तो मैंने कहा स्वीटी उसको डुला लाओ, कल की तो अब उसकी छुट्टी हो जाएगी। अब आप जानते फ्रेंड हिंदी मीडियम में तो जैसे तैसे बच्चे हो जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर बच्चा नहीं जाता है। लेकिन मैंने जैसे तैसे स्वीटी से कहा, मैंने कहा स्वीटी इसको ले जाओ, आज संडे है कोई नहीं, कल की तो छुट्टी होगी, बस इसको ले जाओ, उसका भी मन कर रहा है जाने का। तो फिर स्वीटी इसको ले गए, कल की छुट्टी हो जाएगी दक्ष की, इसलिए भेज दिया मैंने, वरना उसको भेजती नहीं मैं। भेजने का कारण यही था कि हम गए थे तो वो नहीं जा पाया था, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि मेरा दक्ष नहीं जा पा रहा, मच्छर लग रहे हैं यार, तो दक्ष नहीं जा पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब तो भेज दूँ एक मिनट फ्रेंड, तो इसीलिए मैंने भेज दिया है ना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये हाथ में ये धागा क्या बांधे हुए, बहुत से ये कमेंट आते हैं, ये हाथ में धागा क्या बांधे हुए, जब मैं क्रंच करती हूँ तो दिखता होगा शायद, तो भी इसीलिए कमेंट आती है मुझको, ये हाथ में धागा क्या बांधे हुए हो, ये हाथ में किस मन्नत का कलावा बांधे हुए। तो मैं आपको बता देती हूँ यार, ये मच्छर तो ये ना मन्नत का कलावा नहीं है। मैं ऐसा था कि मैं करौली गई थी, केला देवी गई थी ना, तो वहाँ पर पंडित से बंधवाया था मैंने, मेरे बंधा था, स्वीटी के बंधा था, और भैया के बंधा था, अक्षु के बंधा था, हम चारों के ही बंधा था, और मैं बाकी का पंडित से ले आई थी, तो उनके लिए मतलब अपनी मम्मियों के लिए दोनों के लिए, पापाओं के लिए दोनों के लिए, और अपने दोनों भाइयों के लिए और दक्ष के लिए, तो मैं कलावा लेकर आ गई थी, ठीक है। तो मैंने उनके उन लोगों के बांध दिया था, और यही मन बस वही कलावा है जो पंडित जी ने बांधा था, तो ये कोई मन्नत का कोई धागा नहीं है, ठीक है। बहुत से मुझे कमेंट आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं वैसे रिप्लाई दूँ, मैंने रिप्लाई नहीं किया था मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। और अभी मैं अभी करौली की बात ही कर रही थी ना दक्ष को लेकर, कि वो जा नहीं पाया था, तो मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने कहा इसके बारे में बता दूँ, बस ये था। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब पूजा करने की भी मैनर्स नहीं है, और लक्ष्मी गणेश जी को नीचे रख रखा है। एक बात बताऊं, जिसके घर में शुरू से जिस तरीके से पूजा होती है ना, वो उस तरीके से पूजा होती है। जब हमारे मम्मी पापा ने जिस तरीके से पूजा की है, तो हम छोटों का भी तो अधिकार वही बनता है ना, जो बड़े करते चले आ रहे हैं वो हम करें। अब मेरे घर में अलग तरीके से होती है, मेरे आगरा में, यहाँ पर अलग तरीके से होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं घर की बहू बन गई हूँ, तो मैं अम्मा बन गई हूँ, और मैं अपनी मर्जी की पूजा करूँ यहाँ पर आकर। मैं जिस तरीके से मेरे घर पर हो रही है भाई, मैं उस तरीके से करूँ, मैं क्यों करूँ है? जिस तरीके से मेरे सास ससुर ने शुरू से करी है, जिस तरीके से यहाँ का रूल है, जिस तरीके से रिवाज है, मैं उस तरीके से पूजा करूंगी, ना कि किसी के कहने पे कि किसी ने बोल दिया कि हाय भाई धरती पे पूजा कर रहे हो, पूजा करने की भी मैनर्स नहीं है। तो भाई अपने मैनर्स अपने पास रखो, हमारे घर के बड़े जैसा हमें मैनर्स सिखा रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। हमारे घर के मैनर्स ये हैं कि हमारी मम्मी ने, आगरा वाली मम्मी ने ये बोला था कि जैसे तुम्हारे सास ससुर चलाएंगे तुम्हें उस तरीके से चलना पड़ेगा, और हम उस तरीके से पूजा करते हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है ना, तो अपने घर की पूजा का ध्यान दो, दूसरे के घर की पूजा में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आपकी बात का रिप्लाई मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे बहुत गंदी कमेंट लगी थी कि बात मैं पूजा करने की मैनर्स नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना। भाई जिस तरीके से हमारे बड़े करते हैं हम उस तरीके से करते हैं, ना कि हम इस तरीके से करते हैं कि भाई मेरे आगरा में तो ऐसे होती है मैं ऐसे करूंगी, मेरी मम्मी तो ऐसे करती है, मेरी अम्मा ऐसे करती है, तो मैं भी यहां पर ऐसे करूंगी। ऐसा नहीं होता, अपना घर का रूल ना अपने घर पर छोड़कर आना पड़ता है, जो हमारे ससुराल का रूल होता है ना हमें वो निभाना पड़ता है, हमें उस तरीके से पूजा पाठ करनी पड़ती है, ठीक है। और हमारे घर का एक रूल और है कि एक ही जगह पे पूजा होती है, चाहे वो नवरात्रों की हो, चाहे मतलब जैसे माता बिठाना होता है, माता तो मैं रूम में ही बिठाती हूँ, मंदिर में या चौकी पर, और अगर पूजा भी होगी, कोई सी भी पूजा होगी, नवरात्रि की हो, बड़े बूढ़ों की हो, या फिर वो लक्ष्मी पूजन हो, या जन्माष्टमी की हो, या कोई सी भी ऑल
ऑल ऑल जितनी भी हैं, ठीक है, तो उन सब वो सारी पूजा उसी कोने पर होती हैं जो आपको आज तक दिखती आई है। चाहे वो मैंने आपको करवा चौथ की भी पूजा दिखाई थी, वही अष्टमी की भी दिखाई थी और लक्ष्मी पूजन भी दिखाई थी। मेरे यहाँ टोटल पूजा, मेरे घर की बड़ी बूढ़ों की भी पूजा सारी उसी जगह पर होती हैं। तो हमारे यहाँ जगह चेंज नहीं करते, जो जगह शुरू से होती आई है ना जिस जगह पे, उसी जगह पे पूजा होती है। तो हमारे यहाँ जगह चेंज नहीं करते, तो इसी वजह से हम उसी जगह पे पूजा करते हैं, ठीक है। और मेरे घर में पेंट वेंट नहीं हो पाया फ्रेंड, मच्छर बहुत लग रहे हैं, मैं जल्दी नीचे जाऊँ। मेरे घर में पेंट वेंट नहीं हो पाया फ्रेंड, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। मेरे घर में तो रीज़न ही बनते रहते हैं। एक तो करंट फैल रहा है पूरे किचन में, पता नहीं क्यों, बहुत दिन से 15-20 दिन से सही हो जाता है, फिर एकदम से तुरंत आने लग जाता है। जो बर्तनों का स्टैंड है उसमें भी करंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हाथ नहीं लगा सकते पेंट वेंट कराने को। तो अभी आए थे वो भैया, मतलब सुबह के टाइम वो बोलते कि अब पेंट स्टार्ट कर दो। मैंने कि भैया हर तीसरे दिन करंट आने लग जाता है, और चेक भी करवा लिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं है, बस ठीक हो जाए। ओ गॉड, मच्छर बहुत काट रहे हैं फ्रेंड। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मैं अब चलती हूँ नीचे, और मैं 9:30 या 10 इस पे लाइव आ जाऊंगी, तो आप मेरे लाइव ज्वाइन करिएगा। और हाँ, मुझे एक लास्ट कमेंट का और रिप्लाई देना है जो बहुत ज़्यादा आती है। मुझे एक सेकंड को लगा कि मेरा दक्ष नीचे चिल्ला के कुछ बोल रहा है किसी को, पर वो दक्ष नहीं है, वो कोई और है। मुझे ऐसा फील हुआ कि दक्ष नीचे अक्षु पे चिल्ला रहा है। तो एक बात और कि मेरे फेस को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आती हैं कि आप फेस नहीं, मतलब कि आप हस्बैंड वाइफ अपना फेस नहीं दिखाते हो, फिर ब्लॉग क्यों बनाते हो, अड़गम सड़गम बहुत सारी बातें, ठीक है। तो कुछ तो कमेंट ऐसी आती हैं कि हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हैं इसलिए फेस नहीं दिखाना चाहते। बहुत सी कमेंट ऐसी आती हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ का चेहरा दिखाने लायक नहीं है इसलिए फेस नहीं दिखाते। वो आपकी चॉइस है, आप जिस तरीके से लेना चाहो उस तरीके से ले लो, ठीक है। आप सोचते हो कि हम हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो ये तो रियल है, सुंदर है, लेकिन स्वीटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, दुनिया के सबसे सुंदर स्मार्ट बॉय, ठीक है। मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, उनकी बीवी बहुत ज़्यादा स्मार्ट, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए स्मार्ट हैं, और आपकी और बहुत से ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बदसूरत है, तो यार बदसूरत तो हैं हम दोनों, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग है कि आपकी थिंक हमें किस तरीके से देख रही है, किस नज़रिए से देख रही है, किस नज़र से देख रही है, तो हम बदसूरत भी हैं, ठीक है। जैसा आप सोचना चाहो हमारे लिए सोच सकते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओ गॉड मम्मी डरा दिया तुमने, वैसे मत खोला करो मम्मी प्लीज़। बस आ रही हूँ, वो 3 वीडियो क्रंच की बनाई थी ना, साई मम्मी ने बताया क्या किया, मैंने दरवाजा बंद करके वीडियो बनाई थी लाइट ऑफ करके, और मम्मी ने एकदम से दरवाजा खुल के ना ऐसे करके देखा, बाय गॉड फिर तो जारी निकल जाती है थी। हाँ, तो आप जिस तरीके से लेना चाहो वैसे ले सकते हो हमें, अब मुझे डर ही लगता रहेगा, जिस तरीके से लेना चाहो उस तरीके से ले सकते हो। हम सुंदर हैं आपकी नज़र में, तो हाँ हम बहुत सुंदर हैं दोनों। अगर हमारे लिए आप ये सोचते हो हम हस्बैंड वाइफ बहुत बदसूरत हैं, तो हाँ हम बहुत ज़्यादा बदसूरत हैं, इतने बदसूरत हैं कि हम कभी भी यूट्यूब पर फेस दिखाने लायक ही नहीं है, ठीक है। आप जिस तरीके से लेना चाहो उस तरीके से ले सकते हो। और एक और बात कहनी थी कि बहुत ज़्यादा होता है कि कब दिखाओगे कब दिखाओगे, फ्रेंड मैं बता देती हूँ, जब तक इंसान का ना अंदर से ये ना है कि मुझे दिखाना है, तब तक नहीं दिखा सकती। मेरे यहाँ से नहीं आता अभी, यहाँ से जिस दिन आ गया ना कि मुझे फेस दिखाना है, उस दिन आपको बोले बिना ही मैं आपके सामने आके खड़ी हो जाऊंगी कि ये देख लो मैं ऐसी हूँ, लेकिन अंदर से दिल ही नहीं करता मेरा अभी फेस दिखाने का, और जब करेगा तो मैं फटाक से आ जाऊंगी। वैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, आगे की वीडियो में बताऊंगी, और मैं ऐसी वीडियो ना रोज लाऊंगी अब, ठीक है। आज तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, इसके लिए सॉरी। मैं रोज 9 बजे डाल दिया करूंगी अपना ब्लॉग, ऐसे मतलब बातचीत वाला ब्लॉग, और जो मतलब कि फैमिली ब्लॉग हुआ करेगा वो इसमें ही ज्वाइंट कर दिया करूंगी, जितना भी दिखाने के लिए हुआ करेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और आप मेरा 9 बजे रोज ब्लॉग का वेट करा करना,
मेरा कस्टमर कॉल आ रही है, आप मेरा 9 बजे रोज ब्लॉग का वेट करा करना, मैं रोज आपको इतने ही टाइम मिला करूंगी 9 बजे, लेकिन आज तो ये वीडियो तो जल्दी डल लिए 7 बजे, लेकिन मेरी ब्लॉग की वीडियो रोज आया करेगी आपको रात को 9 बजे, ठीक है। और फ्रेंड मेरे चैनल पर प्रॉब्लम चल रही है, 8 बजे अगर उस चैनल पर नहीं आएगी तो इस चैनल पर आएगी, इस चैनल पर नहीं आएगी तो इस चैनल पर आएगी क्रंच वीडियो, ठीक है। तो आज वीडियो बहुत लॉन्ग कर दी, बहुत बकवास कर ली आपसे, उसके लिए सॉरी। और मेरा लाइव ज्वाइन करिएगा जरूर, बहुत सारी बातें करेंगे, मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन हो जाइएगा। ओके बाय।